हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान टेंपल। और आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है स्ट्रक्चर नंबर 19 और 20, जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्ट्रक्चर नंबर 19 फॉर्मेशन है, नीडलेस टू, इसका मीनिंग होता है कि जरूरत नहीं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं। नीडलेस टू एक्सप्लेन मी, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूंगा। Needless to say, I'll do my work. Next example है, पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। Needless to ask, you can go. ठीक है। लास्ट जो हमारा एग्जांपल है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूं। नीडलेस टू टेल, आई ऑलरेडी नो। ठीक है गाइस, ये है स्ट्रक्चर नंबर 19 और आप सबको शायद समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 20। Seems like, लगता है। सेंटेंस देखते हैं, लगता है जैसे तुम्हें बुखार है। Seems like you have a fever. Next है, लगता है जैसे बाहर बारिश हो रही है। Seems like it is raining outside. थर्ड है, लगता है तुम्हें तुम उससे नाराज हो। Seems like you are annoyed with me. ठीक है, लास्ट सेंटेंस है हमारा, लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। Seems like you have fallen in love with someone. ठीक है गाइस, ये है स्ट्रक्चर नंबर 20। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर नंबर 21 और 22 के साथ। गुड बाय, टेक केयर। We'll be right back.